तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं पावर बीआई के अंदर पावर क्यूरी, और पावर क्यूरी में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कॉलम ऐड करके कैलकुलेशन कैसे किया जाता है इनके बारे में। तो जैसे आपके सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे एक डेटा ऐड किया है, उसको ट्रांसफॉर्म करके मैंने यहाँ पे आ गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका डेटा है और यहाँ पे आपके मंथ है, मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो टोटल चाहिए। तो जैसे कि हमने ऐड कॉलम में गए और ऐड कॉलम में मैंने आपके कस्टम कॉलम पे क्लिक किया। कोई भी कॉलम ऐड करने के लिए ऐड कॉलम में और यहाँ कस्टम कॉलम आप क्लिक करना होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ टोटल या कुछ भी दे सकते हैं, बाकी यहाँ आपके फंक्शन होते हैं। तो मुझे जैन कॉमा फैब कॉमा मार्च कॉमा अप्रैल मई और प्लस सिंबल के साथ मैं यहाँ पे चला जा रहा हूँ। हमने यहाँ अगस्त तक का टोटल निकाल लिया और अभी हम देखिए कोई सेंटेंस एरर नहीं है, देन ओके कर। अब बोलेंगे सर क्या एक और यह तरीका है, आप इसको पावर क्यूई के साथ भी लिख सकते थे। कैसे लिखते पावर क्यूई के साथ, क्यूई स्ट्रक्चर के साथ? तो व्यू में जाइए, एडवांस एडिटर पे आइए, ये एडवांस एडिटर खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ तक तो था हमारा ये सोर्स से आपका डेटा ऐड हुआ, उसके बाद आपने यहाँ पे डेटा लिया हमने और साथ में हमने उसको उसका पहले टेबल को प्रमोट कर दिया हेडर के रूप में, और फिर उसका हमने डेटा टाइप चेंज कर दिया यहाँ पे इंटीजर है टेक्स्ट है टाइप से चेंज हुआ। और यहाँ देखिए हैश ऐड कॉलम, और ऐड कॉलम में हमने यहाँ पे दिया है ऐड डॉट कॉलम चेंज टाइप टोटल इसमें इंच क्या ये आपके सामने। ये सर बताना कि ये जो एडवांस एडिटर में गए तो ये लेट और इन जो स्टार्ट हो रहा है तो ये बाय डिफॉल्ट इतना आता है क्या? नहीं, देखिए होता क्या है बाय डिफॉल्ट भी आता है, आपको लिखना भी। लेट मतलब हुआ कि आपने क्यूरी को राइट किया राइट, और इन मतलब हुआ कि आपने उसको प्रेजेंट किया। आप नहीं देंगे तो बाहर यहाँ प्रेजेंट नहीं होगा। तो इन होता है लास्ट एक्शन होता है, जो यहाँ लास्ट एक्शन हुआ ना वो इन हुआ add custom column लिखा है ना। तो जैसे कि यहाँ पे hash add custom हुआ तो सबसे last वाला action repeat हुआ और आपका यहाँ दिख गया। तो ये सब carry forward होता है, source यहाँ carry हो गया, इसके अंदर carry हुआ, इसके अंदर carry हुआ, इसके अंदर carry हुआ, final जो है add column का आया पर हमने यहाँ पे अब add custom के जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं calculation कुछ भी, क्योंकि inverted comma में है variables। तो यहां तक तो जैसे आपने डेटा लोड करेंगे तो यहां तक तो बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है, ये उसके नीचे तक डेटा नीचे जो है एक लाइन में लिखा ऐड कस्टम हैश और यहां पे टेबल डॉट ऐड कॉलम, उसके बाद किसमें करना है हैश चेंज टाइप, क्या टाइप चेंज करना है तो टोटल, और किसमें करना है तो इच में, कौन सा इच ये सारे फील्ड्स में ओके। अब चलिए इसी में मान लीजिए मुझे एक और कॉलम ऐड करना है जो कि जीएसटी के लिए है, मुझे इसका जीएसटी निकालना है 18%। तो ऐड कस्टम और हमने यहाँ पे लिख दिया जीएसटी और यहाँ हम जो टोटल ऐड किए हैं उस कॉलम को यूज कर सकते हैं, जैसे हम पिवट टेबल में करते थे इसका 18%। अब देखिए 18% में नीचे यहाँ एरर आ रहा है क्योंकि परसेंट का सैंपल ए नहीं लेता है, या तो 0.18 100 कर ले या पॉइंट्स में डाल दे। अब देखिए कल इसमें व्यू में कस्टम एडिटर में क्या टाइप क्या हुआ, यहाँ ऐड कस्टम वन, क्योंकि ऐड कस्टम तो हो चुका है ऑलरेडी, ये पहला वन है, ऐड कॉलम कोर्स जीएसटी इच और यहाँ पे कैलकुलेशन। तो कोई भी कैलकुलेशन के लिए आप कस्टम कॉलम ऐड करके कैलकुलेशंस के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते, समझ गया? अब यहां पे देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो ऐड कॉलम हुआ तो एडेड कस्टम दिख रहा है, एडेड कस्टम है ये ऊपर वाला, तो एक कैरी फॉरवर्ड तो भी होगा।
जैसे यहाँ देखिए कि प्रमोटेड हीटेड है, यहाँ पे प्रमोटेड हीटेड आया और इस पे बाकी होना है होना हुआ, फिर यहाँ पे चेंज टाइप था तो ये देखिए यहाँ पे चेंज टाइप आया ऊपर, और यहाँ पे एडेड कस्टम है एडेड, अब नीचे अब मान लो कुछ लिखेंगे तो वहां पे क्या होगा एडेड कस्टम वन। ओके ये आपका इस तरह का हम कैलकुलेशंस इस्तेमाल कर। अब यहां पे बात आती है कि हम सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं हम जो है यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे तो डायरेक्ट भी हम यूज कर सकते हैं फॉर्मूला इसका। हाँ यहाँ भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन बात वही है टेबल डॉट ऐड कॉलन दिख रहा है ना, हाँ हाँ वही चीज है यहाँ ऐड हो रहा है। ठीक है कैरी फॉरवर्ड हुआ ये, मान लो मुझे इसके आगे कुछ और करना है तो कस्टम वन और यहाँ पे हमने नाम दे दिया अमाउंट और अमाउंट में हमने बोल दिया इच, इच में कौन सा तो हमने यहाँ पे बोल दिया टोटल प्लस जीएसटी, सॉरी ये इसमें होगा ब्रैकेट, एक्सप्रेशन एरर वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। अच्छा ये कस्टम वन कस्टम वन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, बेसिकली क्या है कि अगर यहाँ कुछ करते हैं ना तो इसी में चेंज होता है सर, तो इसमें आप चेंज कर सकते हैं, न्यू स्टेप ऐड नहीं कर सकते, न्यू स्टेप ऐड करने के लिए आपको खाए तो यहाँ पे ऐड कॉलम में जाना पड़ेगा या फिर यहाँ क्यूरी कंटेंट में करना पड़ेगा, फिर वो उसी को चेंज करता है। तो यहाँ स्टेप सेलेक्ट है ना अप्लाइड स्टेप उसी को कैरी फॉरवर्ड करता है। ठीक है हाँ सर, तो इसमें ऐड कस्टम में आते हैं, हाँ जैसे मैंने बोला ना आपको यहाँ पे व्यू पे एडवांस एडिटर, अब मैं इसी को किया और इसको इसमें कॉमा देना जरूर भूलिएगा, यहाँ पे पेस्ट कर दी दिया और यहाँ हम कस्टम वन कर लेते हैं और ईच के जगह पे यहाँ हम कर देंगे टोटल और फिर प्लस जी एड कस्टम, ये देखिए एक एक ही नाम का दो हो गया ना, इसको टू करना होगा और यहाँ भी हमको टू करना होगा, हट गया यहाँ पे देखिए टोटल का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, जीएसटी ऑलरेडी एग्जिस्ट है ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट